जनपद में भारत बंद पूरी तरह से फ्लॉप रहा, कहीं भी बंदी का कोई असर देखने को नहीं मिला। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कुछ जगहों पर जबरिया दुकानें बंद कराने की कोशिश की और जिला अध्यक्ष विनय कुमार शुक्ल के नेतृत्व में 3 सूत्रीय मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। इस दौरान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दुकानों को जबरिया बंद कराया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सदर तहसील गेट से पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और रास्ते में पड़ने वाले दुकानों को जबरदस्ती बंद कराया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही दुकानें खुल गईं, जिसके संबंध में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विनय कुमार शुक्ल ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के आह्वान पर केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को वापसी के लिए आंदोलन किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि 3 कृषि कानूनों को सरकार वापस ले तथा गन्ने का न्यूनतम मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए और प्रदेश में धान क्रय केंद्रों को किसानों को सहूलियत देते हुए धान खरीद को सुनिश्चित कराया जाए। इस अवसर पर यूनियन के मंडल अध्यक्ष सतीश चंद्र ओझा, जिला उपाध्यक्ष विष्णुदेव तिवारी, जिला महासचिव राकेश तिवारी, महेश शर्मा, रामजीत कनौजिया सहित अन्य किसान नेता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विनय कुमार शुक्ल ने कहा, दुकान बंद करिए भाई, किसान यूनियन अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है। जब जब दुखी किसान रहेगा, सब जब जब दुखी किसान रहेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, महात्मा टिकैत
जिंदाबाद सतीश चंदोदा जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को और केंद्र सरकार को तीन सूत्री मांग हम सौंप रहे हैं। इसमें जो मांग है जो 25 रुपया प्रति क्विंटल का भाव गन्ने का किए हैं, इन्होंने किसानों के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया है, इसका विरोध करता है। 450 रुपया प्रति क्विंटल का भाव गन्ने का होना चाहिए और कानून बिल लाए गए हैं, ऑर्डिनेंस काले कानून, इसे वापस किया जाए। ये भारतीय किसान गौरव इकाई। और एक मुद्दा और है जो किसान जिससे किसान लाभान्वित हो सकता है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है, हम आशा करते हैं हल निकलवाया जाएगा। धन्यवाद। बिना शुक्ला जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन गोरखपुर को भारतीय किसान यूनियन के निर्देशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पे आज पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर आज ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। हमारी प्रमुख मांग जिसमें तीनों कृषि कानून जो बनाए गए हैं, जिनको काला कृषि कानून है किसानों के लिए, उनको तत्काल वापस किया जाए। दूसरा MSP की गारंटी दी जाए। तीसरी मांग किसानों की जो धान क्रय हो रहा है उनको सुचारू रूप से खरीदवाया जाए, उसमें किसी प्रकार की घटौली या हिलावाली न की जाए। चौथी मांग किसानों पे फर्ज मुकदमे जो लगाए गए हैं उनको वापस कराया जाए।